वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके बीच साइंस के एक ऐसी टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो आपको हर परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन, अभी देखिए पेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तमाम कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लड से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ब्लड की टॉपिक आज पूरी, मैं आपको प्रयास करूंगा एक महामैराथन के साथ की पूरी ब्लड की टॉपिक को खत्म किया जाए। किस तरीके से क्या है, कितने महिलाओं में ब्लड होता है, कितना पुरुषों में ब्लड होता है और कितना हीमोग्लोबिन होता है। लोग कहते हैं ना कि मेरे शरीर में 9 ग्राम खून है, 8 ग्राम खून है, लेकिन मैं आज बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि 8 ग्राम और 9 ग्राम खून है तो किस में है। 8-9 ग्राम खून मतलब है तने से खून में आप जीवित रह पाएंगे क्या, संभव नहीं है। लेकिन आज मैं सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। केवल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपकी बात होती है ब्लड, ब्लड की बात हो, जिसको अंग्रेजी में ब्लड कहा जाता, हिंदी में रक्त, या फिर उसके बाद क्या कहा जाता, खून कहते हैं। और जब माता जी गुस्साती हैं तो कहते हैं तो भगवती माई उठा ले जाए तो खुनवा पी जाओ, तो ऐसे गालियां देती हैं। तो आप देखिए खून को क्या, आखिर जब हम लोगों को चोट लगती तो हम लोग मुंह से चाट लेते, जबान से चाट लेते, आखिर क्या कारण है कि वो खून पेट में जाकर बनता क्या फिर से खून नहीं। उसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल से आपसे चर्चा करने वाला हूं कि क्या कारण है कि हम तड़ से जबान पे लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी बात हो कि ब्लड की बात हो, अगर ब्लड की बात हो, ब्लड जिसको रक्त कहते हैं, तो आप सबसे पहला प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर ये रक्त परिसंचरण, रक्त की बात की जाए तो रक्त परिसंचरण, आपकी बात की जाए रक्त परिसंचरण, संचरण की खोज किसने की थी, किसने की थी। आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे की थी। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो सीधी सी बात होगी, एक नाम होगा जिनका नाम है विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे कौन है, विलियम हार्वे साहब। अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आप किसको बताएंगे, विलियम हार्वे साहब। एक प्रश्न और आपसे बनता है कि आपके ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, एक आप रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे साहब। अगर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आप किसको बताएंगे, ब्लड ग्रुप, ग्रुप की खोज, की खोज, की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, तो आप सीधे किसको बताएंगे, आपको लैंड स्टीनर साहब को बताएंगे। किसको बताएंगे, आप सीधे सी बात होगी लैंड स्टीनर साहब को बताएंगे, लैंड स्टीनर साहब को बताएंगे, स्टीनर। आपको बता दूं धीरे धीरे, देखिए मैं एकदम टॉपिक टू टॉपिक चलूंगा, बहुत आराम से, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरे साथ पूरी टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, सीधे बताएंगे लैंड स्टीनर साहब ने की थी। अगर आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि ब्लड ग्रुप जो आपका होता, ब्लड कैसा विलयन होता है, तो ब्लड आपको पूछ लिया जाए कि ब्लड कैसा विलयन है, अगर कोई ये पूछे कि ब्लड कैसा विलयन है, तो कैसा विलयन है, कैसा विलयन है, विलयन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड कैसा विलयन है, तो आप कैसा बताएंगे, आप कहेंगे कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। अब आपसे कोई पूछेगा
कि ये कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जैसे आप किसी सूती कपड़े से दूध को छानते हैं या दही को छानते हैं, तो कुछ पानी नीचे गिर जाता है, कुछ उसमें से ऊपर रह जाता है। तो उसमें से कुछ भाग जब ऐसा विलयन जिसको किसी सूती कपड़े या किसी वैसे चीज से छाना जाए तो उससे रिलेटेड, तो उसमें से क्या हो कि सारे के सारे भाग छन कर ना निकले, कुछ भाग ऊपर रह जाए और कुछ छन जाए, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्लड कैसा विलयन है तो कोलाइडी विलयन होता है। अब आपके पास कहेंगे कि सर जी कोलाइडी में क्यों होता है, ये कैसे होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लड जो आपका आपका होता ब्लड, आप जो ब्लड ग्रुप देखते हैं उससे पहले आपकी बात हो तो ब्लड में आपका पाया क्या जाता है, सबसे पहले क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, कितना परसेंट, 60%, ये पानी की तरह से होता। फिर उसके बाद क्या होता है, रुधिराणु पाया जाता है, रुधिराणु पाया जाता है जो कितना होता है, 40%। इस 40% में भी तीन चीजें पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपका पाया जाएगा और प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। देखिए आपकी बात होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाएगा, इसको अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्लाज्मा पानी जैसा होता है और रुधिराणु उसमें से क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में होते हैं। अभी मैं इसके बारे में खूब डिटेल से आपको चर्चा करने वाला हूं कि आखिर यह कितने दिनों तक जीवित रहता, किसको क्या जरूरत पड़ती है, कौन सी बीमारी होती है, किसकी कमी, सारे डिटेल्स आपसे मैं परिचय करूंगा। बस केवल आप क्या करिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और हर मिनट का ख्याल रख के मैंने इस वीडियो को बनाया, एक मिनट भी आप बोरिंग नहीं महसूस करेंगे। केवल मैं कुछ चीजें लिखने के बजाय कुछ चीजें मुंह से बोल दूंगा, तो उसको भी नोट्स कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। चलिए, अगर ब्लड पूछा जाए कि एक कैसा विलयन होता है तो कैसा होता है, कोलाइडी विलयन होता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप समझ लीजिएगा, ब्लड की बात हो तो एक और चीज होती है, ब्लड कैसा उत्तक होता है, ब्लड कैसा उत्तक होता है, कैसा उत्तक होता है, कैसा उत्तक होता है, उत्तक होता है, कैसा उत्तक होता है, तो ये संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, संयोजी उत्तक होता, क्या होता है, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक होता। और संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, संयोजी उत्तक का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा, एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ना, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अगर आपकी बात करें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, मतलब या जो हमारे शरीर में होता है ऑक्सीजन को पूरी शरीर तक पहुंचाना, प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना, जैसे पौधों में फ्लोएम और जाइलम होता है, उसी तरीके से यह हमारे शरीर में ब्लड भी पूरे अंगों तक आपको कह दिया जाए ऊर्जा को पहुंचाना, उत्सर्जन को पहुंचाना और पूरे शरीर को एनर्जी देना, ये सब किसका काम होता है, इसी कनेक्टिव टिश्यू की बात होगी। अभी मैं पूरा डिटेल एक एक करके बता रहा हूं, केवल आपको धीरे 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 आपको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं, जिसको आप समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी तो विलियम हार्वे साहब ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो लैंडस्टीनर साहब ने किया था। ब्लड कैसा विलयन होता है तो ब्लड कोलाइडी विलयन होता है। यह क्यों कोलाइडी होता है, कोलाइडी का मतलब ऐसा विलयन जिसको अगर मैं छान दूं, छानू तो पूरी चीजें नीचे न गिरे, सूती कपड़े से, तो उसमें प्लाज्मा पाया जाता है 60%, रुधिराणु पाए जाते हैं 40%, और इसी रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और यह ब्लड कैसा उत्तक होता है तो संयोजी उत्तक होता है। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो फिर मैं आपको लेकर आगे चलता हूं। चलिए, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो यहां से आप अगर पूछेंगे कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान, पीएच मान, मान
कितना होता है आपको बता दूं तो ब्लड का पीएच मान 7.0 कितना होता है 4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। इसको हम क्या कहते हैं क्षारीय कहते हैं। क्षारीय क्षारीय का मतलब क्या होता है देखिए ब्लड का पीएच मान क्या होता है क्षारीय होता है। कितना होता है 7.4। आपको अगर अम्ल और क्षार की बात की जाए तो अगर आपकी बात की जाए तो यहां से ध्यान में रखिएगा अगर 10 की पावर यहां से क्या कर दिया जाए एक चीज जानिएगा यहां से आपका 10 की पावर -7 होता है 10 की पावर -7 तो इसका पीएच मान क्या होता है 7। इधर कितना 10 की पावर -6 और इधर क्या 10 की पावर -5 इधर क्या 10 की पावर -4 ऐसे करते हुए अगर इधर की तरफ आते हैं तो ये क्या होता अम्लीय होता अम्लीय होता है और इधर जाते हैं तो क्या होता है 10 की पावर 8 हो जाए -8 तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से जब इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है क्षारीय होता है क्षारीय होता है और 7 होता है तो क्या हो जाता उदासीन होता है। अगर प्रबल क्षारीय की बात किया जाए तो यानी AOH होता है जिसका नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। अगर दुर्बल अम्ल की बात की जाए प्रबल अम्ल की बात की जाए तो यहां से HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर इतनी चीजें 7 होता है तो उदासीन होता है 7 पे क्या होता है आपको बता दे कि शुद्ध जल की बात करते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है। अगर क्षारीय की बात की जाए जिसका पीएच मान 14 होता है और जिसका यहाँ पर अम्लीय की बात किया जाए तो जिसका पीएच मान आपका कितना होता है 0 होता है। तो इतना अम्लीय क्षारीय की बात की जाए। अब अगर आपके पास इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा थोड़ा देखिए लंबी टॉपिक तो हो जा रही है लेकिन इसी के साथ मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त बताते जाऊंगा जिस भी टॉपिक से आपको मिलेगी। अगर आपसे पूछे जाए कि आप कहते हैं ना कि अगर शरीर से मैं 1 यूनिट खून निकलवा दूं और खास करके औरतें तो अगर 1 सिरिंजी खून निकाल लिए जो चेक करने वाला होता है तो उतने में वो बेहोश होश होना शुरू हो जाती। नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बता दो कि आपका जो वजन होता है वजन के अनुसार जो वजन होता है वजन का लगभग 7 से 8% क्या होता है ब्लड होता है। आपके शरीर के वजन से 7 से 8% ब्लड होता है। जितना आपका वजन रहेगा उसका 8% आपके पास क्या होता है ब्लड होता है। अगर इसकी बात की जाए तो आप यदि 40 किलोग्राम के हैं यानी कि 40 की ग्राहक है तो इसका 8% निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 0.0 आपका कितना हो जाएगा 8×4=32 10 बचा दशमलव लग गया यानी कि 3.2 लीटर लगभग खून मिलेगा। अब आप 70 किलो के हैं कि 65 किलो के हैं कितने हैं ये नहीं पता लेकिन अगर बात की जाए एक नॉर्मल पुरुष की नॉर्मल मनुष्य के जो आपका नॉर्मल मनुष्य होता है मनुष्य का जो ब्लड होता है अभी मत कहिए कि 40 किलो का पुरुष होता है। नहीं भाई 40 किलो का नहीं होता मिनिमम उसका वजन 60 किलो होता है। अभी जैसे हम ही लोगों को ले लीजिए मिनिमम करते करते दुबले पतले तो दिख रहे हैं लेकिन 70 किलो के हैं समझ में आ रही बात की नहीं। अब जब 70 किलो के हैं हम इसका 8% निकाल लीजिए तो 1 जीरो कट गया 8×56 यानी कि लगभग कितना 5.5 लीटर हमारे पास खून होगा। तो यानी कि 5.5 लीटर अगर नॉर्मल मनुष्य में सामान्यता पूछा जाए तो कितने लीटर खून होता है तो 5.5 लीटर होता है। कितना लीटर होता है 5.5 लीटर होता है 5.5 लीटर होता है। जबकि महिलाओं की बात की जाए महिलाओं की बात की जाए तो इनके अंदर क्या होता है जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के खूनों की बात किया जाए तो कितना होता है अगर आपकी स्त्री की बात कर लिया जाए या महिला की बात कर लिया जाए तो इनका कितना लीटर होता है तो 5 लीटर होता है। कितना लीटर होता है 5 लीटर। अब लोग कहते हैं कि ये 0.5 लीटर क्यों कम होता है तो लोग कहावत होती है गांव में कि जो औरतें होती है वो पुरुषों का खून चूसने के लिए 0.5 लीटर कम होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कम होता है तो ये भी जान लीजिए जो आयरन की मात्रा क्या होती है आयरन की कमी के कारण
कमी के कारण, कमी के कारण उनकी जो आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं आपके, अगर आयरन की कमी के कारण ही उनके ब्लड जो होते हैं आधा लीटर पुरुषों की अपेक्षा क्या होते, कम होते हैं। और इन्हीं आयरन की कमी के कारण जो उनके बॉडी की क्षमता होती है, जैसे आदमी को एक मुक्का घुस के मार दिया जाए तो उस आदमी को उतनी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि आयरन की उसके पास मजबूती, आयरन मतलब लोहा की मजबूती है। जबकि औरतों को अगर एक मुक्का घींच के मार दिया जाए तो वह बेचारी खटिया धर लेंगी, और खटिया धर लेंगी दो तीन दिन तक खाना नहीं है मिले वाला भैया, ये जान ला, अगर मरबा तो खाना ना पीवा भैया। तो क्या होगा, आयरन जो आपकी आयरन की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण ये होता है। अगर कोई पूछ ले कि महिलाओं में किस कमी के कारण, किसके कारण उनके 5 लीटर की खून होते हैं और पुरुषों में 5.5 लीटर, यानी कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, तो कारण यही होता कि आयरन की कमी के कारण। आयरन की पूर्ति किससे होती है, आप नाम सुने होंगे गुड़, किसका नाम सुने होंगे, गुड़, गुड़ और गांव में उसी को हम लोग भेली या गुड़ जिसको भी कह लीजिए, गुड़ की बात हो, पालक की बात हो, पालक आपकी हो, या चुकंदर हो, चुकंदर आपका दे, आपका पालक हो जाए, चुकंदर हो जाए, आपका पालक हो जाए, गुड़ हो जाए, चुकंदर हो जाए, इससे टमाटर हो जाए, टमाटर, टमाटर, इनसे हमें आयरन की मात्रा मिलती है। ज्यादा ज्यादा अगर बात की जाए तो गुड़ हो गया, पालक हो गया, इन सब चीजों से आयरन ज्यादा मिलते हैं। और आयरन अगर पूछे जाए कि पुरुषों में क्या होता है, तो आयरन पुरुषों में जो होता अधिक होता है, महिलाओं में आयरन की कमी होती है। और यह मासिक चक्र की घटना के कारण भी महिलाओं का आयरन जो होता, हमेशा ब्लड हर महीने में उनका खराब ब्लड जो होता, कचड़े वाला ब्लड वो निकल जाता है, जिसकी वजह से भी उनके ब्लड कम हो जाते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए कि वजन का 7 से 8% ब्लड होता है पूरे शरीर के वजन का, नॉर्मल बात की जाए तो 5.5 लीटर होता, महिलाओं में बात की जाए तो 5 लीटर होता है, क्यों आखिर कम होता है, तो कारण यही होता है कि उसमें महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जबकि पुरुषों में आयरन की क्या होती है, अधिकता होती है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, तो ये बात समझ लिए हो, तो फिर आपकी बात आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछेंगे तो ये जो आपका आयरन तो हुआ, अगर आपकी बात हो कि ब्लड निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण, ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड कहाँ बनता है, आप जानते होंगे दो चीजें, एक होता है बोन मैरो, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो, क्या कहते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो का मतलब क्या होता है, अगर आपसे बात की जाए कि बोन मैरो, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अब आपकी अस्थि मज्जा मिलती कहाँ है, अगर इसकी बात की जाए तो अस्थि मज्जा मिलती कहाँ, तो आपको मैं बता दूं कि अस्थि मज्जा कहाँ मिलती है, ये जो आपका ब्लड और हड्डी होती है ना, तो हड्डी जितने लोग मुर्गा उर्गा खाते होंगे, मुर्गा खाते हैं या फिर उसके बाद और भी चीजें खाते हैं, तो उनकी जो हड्डियां होती है, उस हड्डी में क्या होता है कि जो मोटी हड्डी होती है, मोटी हड्डी को जब हम तोड़ते हैं अपने दांत से, तो तोड़ने के बाद जो उसमें जाली नुमा होता है, जाली नुमा उसमें ठूस ठूस के भरा होता है, जिसे मालूम पड़ता कि जाल भरा गया है, और वही जाली नुमा उसमें हड्डी जो होती है, वही हमारा अस्थि मज्जा होता है, उसी अस्थि मज्जा से निर्माण होता है। अगर कोई पूछे कि ब्लड का निर्माण कहां से होता है, तो अस्थि मज्जा से होता है, जबकि बच्चों का निर्माण कहां से होता है, जो बच्चों, बच्चों में जो मां के भ्रूण में पल रहे बच्चे होते हैं, बच्चे का निर्माण, बच्चे के ब्लड का निर्माण कहां से होता है, तो बच्चा जो मां के गर्भ में पल रहा हो, बच्चे के ब्लड का निर्माण, जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण कहां से होता है, अगर कोई पूछ ले बच्चे में ब्लड का निर्माण कहां से होता है, तो आप सीधे से जान लीजिएगा कि मां के भ्रूण में जो पल रहा होगा बच्चा 9 महीने तक, उसी बच्चे को जो मां के भ्रूण से मिलता है, मां के भ्रूण से मिलता है, माँ के जो भ्रूण होता है अर्थात ओवरी से मिलता है। आप सीधी सी बात इतनी तो आप जान लीजिए कि माँ का जो बच्चा गर्भ में पलता है, तो वह 6 महीने तक बहुत कम
कम ग्रो अप कर पाता है, लेकिन 6 महीने के बाद वह बच्चा 6 महीने के बाद माँ को जो क्या करता है कि बहुत तेजी से ग्रो अप करता है बच्चा। और जब बहुत तेजी से ग्रो अप करता है तो माँ के भ्रूण में जब वो ब्लड को निर्माण करता है, जिससे उनके हड्डियों का निर्माण होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है, तो उसके बाद जो बच्चा होता है वह बढ़ता है, तो उसी समय माँ की एचबी जो आपकी होती है एचबी हीमोग्लोबिन गिरती बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाती है। और उस समय यदि माँ का ख्याल नहीं किया गया तो माँ के साथ बच्चे की भी जान जा सकती है, इसलिए माँ का भी ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। माँ की कैसे ख्याल रखते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में आयरन दीजिए। आयरन में जैसे आपको भेली हो गया, गुड़ हो गया, टमाटर हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, या फिर उसके बाद नारियल पानी हो गया, ये सब आपको पर्याप्त मात्रा में बच्चे की माँ को देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हर गांव एक ऐसा गांव होगा जिसमें एक माँ जरूर बच्चे को प्रसव के दौरान उसकी मौत हुई होगी। कारण यही है कि जब उस माँ का सही समय से ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके ब्लड की कमी होती है, तो एक हेपरिन जो होती है, हेपरिन की कमी हो जाती है, विटामिन आपका के की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है, जन्म देने के बाद वह उसमें जो ब्लड होता है, ब्लड को हेपरिन जो होता है, हेपरिन की कमी या फाइब्रिनोजेन होता है, जो वायु के संपर्क में आने के 4 से 5 मिनट बाद क्या करना 4 से 5 मिनट बाद क्या करना शुरू कर देता है, ब्लड का क्लाटिंग करना शुरू कर देता है, अर्थात जम जाता है, तो माँ की ब्लडिंग नहीं होती है, माँ बच्चा दोनों बच जाते हैं। लेकिन यही ब्लड अगर कम हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी, तो उस समय रिस्क लेकर यदि बच्चे को माँ से जन्म दिलाया जाएगा, यानी कि जो माँ के द्वारा जबरदस्ती बच्चे को जन्म दिया जाएगा, ब्लड की कमी होगी तो माँ की ब्लडिंग हो सकती है और उस दौरान माँ की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपको करना क्या है कि जो बच्चे के ब्लड का निर्माण होता है वह निर्माण माँ के भ्रूण से होता है, इसलिए माँ के भ्रूण को क्या करने के लिए आपको पर्याप्त रूप से उनको पौष्टिक आहार देने की आवश्यकता होती है। ये कब से कब तक, 6 से 9 महीने, यानी कि 6 से लेकर 9 महीने तक का आपको लगातार कंटिन्यू माँ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना भी ध्यान मत दे दीजिए कि बच्चा जो नॉर्मल 3.5 किलो 1.5 किलो का होना चाहिए, वह 3.5 किलो से 2.5 किलो के बीच में होना चाहिए, अब वो 4 किलो 5 किलो का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब भी वह बच्चा पैदा होने में समस्या होगी, तो हमें सीजर करना पड़ेगा। तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो कि ब्लड कहां से निर्माण होता है तो ये आप जानिएगा। अगर आपकी बात की जाए कि ब्लड कहां इकट्ठा होता है, तो ब्लड कहां इकट्ठा होता आप ये भी समझ लीजिए, ब्लड कहां इकट्ठा होता, कहां इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है तो आप सीधे सी बात कहेंगे कहां होता है, प्लीहा में, कहां होता है, प्लीहा में। अगर आपकी बात की जाए कि यहां से ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो ब्लड बैंक पूरे शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो इस किसको कहा जाता है, प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, अगर ब्लड ग्रेव कहा जाए, ब्लड का कब्रिस्तान अर्थात ब्लड की मृत्यु कहाँ होती है, ब्लड की मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो ब्लड की मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु कहाँ होती है, तो आप सीधी सी बात समझिएगा ये भी कहाँ हो जाती है, प्लीहा में। प्लीहा में ही मृत्यु भी होती है और प्लीहा में पैदा भी होता है। एक चीज और जानिएगा, ये प्लीहा कब खराब होगा, अगर आप नाम सुने होंगे इस समय बहुत फीवर चल रहा है, ये लगातार वायरल चल रहा है, यानी कि आपको बता दिया जाए मलेरिया, मलेरिया अगर मलेरिया नामक बीमारी हो जाए तो ये आपका प्लीहा काम करना बंद कर देगा, अर्थात ब्लड क्या हो जाएगा, पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मलेरिया जैसी खतरनाक, देखिए लिखने में थोड़ी सी मेरी राइटिंग गोबर टाइप है, लेकिन मेरी बात को समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बात को समझिएगा और बात ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड कहां इकट्ठा होता अर्थात ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो सीधी सी बात समझ लीजिएगा, ब्लड की मृत्यु कहां होती है, तब भी प्लीहा में होती है। प्लीहा कब खराब हो जाता है, तो आपको मलेरिया जैसी घातक बीमारी हो जाती है, तब जाके आपको, या इसको हल्के में मत लीजिया करिए, अगर आपको ये मलेरिया हो जाती है और डेंगू हो जाता है तो
बहुत तेजी से प्लेटलेट्स 20,000-30,000 घटता है, और घटने के बाद आपके शरीर बॉडी टेम्परेचर को एकदम नॉर्मल कर देता है, यानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। अगर मलेरिया होती तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाएगा और ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो लगातार कम होता चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब आप समझ लीजिएगा, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आपको लेके चलते हैं एचबी हीमोग्लोबिन के बारे में अब चर्चा करेंगे। जो आप लोग अब तक चर्चा कर रहे थे कि सर जी हीमोग्लोबिन हमारी 8 ग्राम है, 9 ग्राम है, 10 ग्राम है, 12 ग्राम है, अब उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। और इसको नापा किसने जाता है ये भी जान लीजिए, डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर, इना कि लीटर में नापा जाता है, डेसीलीटर में नापा जाता है। डेसीलीटर आप अगर जानते होंगे तो यहां से आप देखिए ऊपर जाएंगे, ये आपका लीटर हो गया, लीटर हो गया, और यहां से क्या हो जाता है, यहां से आपका डेसीलीटर हो जाता है, डेसीलीटर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सेंटीलीटर हो जाता है, सेमीलीटर हो जाता है, सेंटीलीटर, और फिर उसके बाद यहां से मिलीलीटर, मिलीलीटर हो जाता है, और यहां से डेका हो जाता है, डेकालीटर, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहां से हेक्टोलीटर हो जाता है, हेक्टोलीटर, और यहां से किलोलीटर, किलोलीटर। तो यानी कि ये डेसी से नापा जाता है किलो में। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 0 यानी 4 गुणा होता है, 4। आपसे अगर बात किया जाए एक किलो में कितना डेसीलीटर, एक किलो में कितना डेसीलीटर, तो आप लिखेंगे इकाई दहाई दस सैकड़ा हजार दस हजार, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लीटर, डेका लीटर, लीटर, यानी कि आपसे किसमें नापा, डेसी लीटर, ये किसमें नापा जाता है। तो आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1000 में, 1 लीटर में, 1 किलो लीटर में कितना लीटर, तो क्या कहेंगे, आपका 10,000 डेसी लीटर होता। अगर आपसे पूछे कि 1 लीटर में कितना डेसी लीटर, तो एक नीचे आएंगे तो 10 डेसी लीटर होता है, यानी कि 1 लीटर के 10वें भाग में, 1 लीटर के 10वें भाग में आकर हम इसको नापते हैं, तब जाके हम इसको नाप कर बताते हैं। अगर इतनी बात चीजें पता चल गई हो तो मैं एचबी के बारे में आपसे पूरा डिटेल से बात करता हूं। तो सबसे पहले आप जानिएगा एचबी, जिसको हम क्या नापते हैं, आप सीधे सी बात होती इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात हो, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये 200 ग्राम प्रति डेसी लीटर में नापा जाता है। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल की बात करे तो यह किस नापा जाता है, 200 ग्राम डेसी लीटर, 200 ग्राम प्रति डेसी लीटर में नापी जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एचबी पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है, तो पुरुषों में, जिसको हम मेल कहते हैं, मेल का मतलब पुरुष, अगर पुरुष में कोई पूछे कि कितनी एचबी होती है, तो आप सीधी से जानिएगा 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम, कितना ग्राम प्रति डेसी लीटर में, 12 से 14 ग्राम, यानी कि अधिकतम जो होती है 12 से 14 ग्राम, 14 ग्राम डेसी लीटर, ग्राम प्रति डेसी लीटर में होती है। जबकि महिलाओं में कितनी होती है, जो फीमेल होता है, आपकी बात की जाए कि फीमेल में, फीमेल अर्थात महिलाओं में, जो महिलाओं में बात हो तो आप कितना बताएंगे, महिलाओं में, यानी कि महिलाओं में अगर बात की जाए तो यह आपका कितना होता है, सीधी सी बात होगा 11 से 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर, ये इतना होती है। अगर इतनी बात आपको पूरी पूरी समझ में आ रही है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इनके कार्य क्या होते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर क्यों ये कम होता है, तो मैंने आपको बताया क्यों कम होता, आयरन की कमी के कारण ऐसा होता है। आयरन की कमी के कारण ये ऐसी घटना घटित होती है। अगर ब्लड के कार्य की बात की जाए तो ब्लड के कार्य की बात की जाए तो सबसे पहला कार्य क्या होता है ब्लड का, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दे दीजिएगा कि ब्लड का कार्य क्या होता है। अगर आपसे ब्लड के कार्य की बात की जाए तो ये हमारे जो शरीर होते हैं ताप को नियंत्रित करता, किसको नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता, नियंत्रित करता, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताप को नियंत्रित करता है। तो चलिए, ताप को नियंत्रित करता, कैसे नियंत्रित करता, अच्छा आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छा
देखिए नियंत्रित करता है ताप को। ताप को कैसे नियंत्रित करता है ये जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हमारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड, आप कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, अगर तो 104 डिग्री में नहीं होता, वास्तव में फारेनहाइट सेल्सियस में होता है। किस में होता है? फारेनहाइट सेल्सियस में होता है। देखिए ये क्या करता, ताप को नियंत्रित करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता आपके बॉडी का, तो आप बताइएगा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता। वास्तव में नापा किस में जाता है, जो आपका ये थर्मामीटर लगाया जाता है तो वो आपको नापता है आपके शरीर को फारेनहाइट में इसका तापमान। जो नॉर्मल आपके शरीर का तापमान होता है वो 98.6 फारेनहाइट में होता है। जो डॉक्टर साहब लोग नापते हैं वो किस में नापते हैं? फारेनहाइट में नापते हैं। और जब फारेनहाइट में नापते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट से मात्र आप अगर 102 तक पहुंच गए तो आपके लिए समस्या है, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, क्योंकि ब्लड जो होता है किससे जाता है, आपके जो पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, अर्थात फेफड़े से निकलकर जो आपको जानते होंगे आप लोग धमनी का नाम सुने होंगे, धमनियों से जाता है, पहले महाधमनी, धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर उसके बाद किस में जाता है? शिरा में, फिर उसके बाद शिरा में आपका केशिका में, केशिका से फिर आता किस में है? शिरा में, शिरा के बाद महाशिरा में आकर तब ब्लड आपको आता कहां है? फेफड़े में आता है। तो आप अगर कोई पूछे कि जो धमनी होती है तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में किस कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अगर धमनी में बात की जाए तो 120 की स्पीड से जाता है और फिर कितने की, शिरा में कितने की? 80 की स्पीड से वापस आता है। धमनी में जाता कितने की स्पीड से? 120 की स्पीड से जाता है। वो भी कैसा रक्त लेकर जाता है? शुद्ध रक्त लेकर जाता है। कैसा रक्त लेकर जाता है? शुद्ध रक्त लेकर जाता है। जबकि शिरा में क्या करता है? शिरा में आप जानते हैं अगर बात की जाएगी तो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो कहीं ऐसा जरूर होगा जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों पाए जाते हैं, अर्थात कहां पाए जाते हैं? जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों पाए जाते हैं उसका नाम होता केशिका। कहां पाया जाता है? केशिका। केशिका कहां पाई जाती है? जैसे देखिए मेरी आंखों में जो पतली पतली नसें हैं, जो मेरे सर में पतली पतली नसें हैं, यह केशिका होती हैं। तो इन्हीं से जो ब्लड जाता है। तो आपको पहला कार्य क्या होता है? तापमान को नियंत्रित करना। अगर फारेनहाइट में आपका पूछेगा मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो यही ब्लड सर्कुलेशन अगर लगातार चलता रहे तो आपकी शरीर क्या होगी? गर्म रहेगी। जब गर्म रहेगी तो आपको समझ लीजिए आदमी जो जिंदा, अगर थोड़ा थोड़ा भी चल रहा तो यानी कि आदमी जिंदा है, यानी कि मरा नहीं है। अगर यही टेम्परेचर एकदम खत्म हो जाए, पानी बन जाए, ब्लड रुक जाएगा तो आदमी को एकदम वो जम जाएंगे ब्लड, और जैसे रहेगा आदमी उसका मुड़ी हिलाएंगे पूरा तो पूरी शरीर हिलेगी, यानी कि साथ में जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगा, लकड़ी जैसा हो जाता है। इसीलिए लोग जो डॉक्टर साहब लोग मरने से पहले चेक करते हैं कि आदमी जिंदा है कि नहीं, तो नसों को देखते हैं। नसों को देखने के बाद ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो व्यक्ति मरा नहीं होगा, टाइट नहीं रहेगा, एकदम ढीला ढाला रहेगा। अगर ब्लड वो आदमी मर गया तो उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और वो एकदम टाइट हो जाएगा, लकड़ी जैसा, यानी कि व्यक्ति क्या हो चुका है? मर चुका है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो दूसरा कार्य समझ लीजिए। दूसरा कार्य क्या होता है? ये पहला कार्य था, दूसरा कार्य समझ लीजिए क्या होता है। अगर बात की जाए शरीर को पोषक तत्व पहुंचाना, अर्थात शरीर के अंगों को, शरीर के अंगों को, अंगों को, अंगों, शरीर के अंगों, अंगों को पोषक तत्व पहुंचाना, पोषक, पोषक तत्व पहुंचाना। क्या करना? पोषक तत्व, तत्व मतलब जो हम लोग खा रहे हैं शरीर में, वो जगह जगह तक हमारे पहुंचाने का काम कौन करता है? यही ब्लड ही करता है। इसी में जैसे आप देखिए जो युवा वर्ग होता है अपने आप को लंबा करने के लिए, तो आप क्या करते हैं? स्पीड हाइट ग्रो अप खाते हैं, तमाम चीजें खाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पोषक तत्व तो किसी एक भाग में ही चला जाता है और वह शरीर का कोई एक अंग बढ़ जाता है। इसलिए जो प्राकृतिक नेचर ने आपको बना दिया है वही आप हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ताप को नियंत्रित करता, दूसरा क्या होता है? शरीर के अंगों तक क्या करता है? पोषक तत्व तो पहुंचाता है। तीसरा कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को लाना, ऑक्सीजन को लाना यानी कि ले जाना।
जो आपका ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, वापस लाने का कार्य, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता उसको बाहर करने का काम, यानी कि आपको सीधी सी बात होगा जो आपका धमनी होगा उसमें ऑक्सीजन जाता है, जबकि सीरा जो होता है जिसमें अशुद्ध ब्लड होता कार्बन डाइऑक्साइड होता वो निकालने का काम, फिल्टर करने का काम या सीधे सीधे लगातार किसका काम होता है, ब्लड का काम ही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जीय पदार्थों का भी अंगों तक पहुंचाना, कौन से पदार्थों का, उत्सर्जी उत्सर्जी अंगों का, अंगों को शरीर तक पहुंचाना, शरीर तक पहुंचाना, शरीर तक पहुंचाना, पहुंचाना उत्सर्जी अंगों को कहां तक पहुंचाना, शरीर तक पहुंचाना, यानी कि जो उत्तेजना होती है ना, कहते हैं ना कि का हमारे खुनों तारे खुनवम खून बा हमारे खुनवम पानी है, मतलब उत्तेजना का को बढ़ाना, और जब उत्तेजना बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, यह काम किसका होता है, यही ब्लड का काम होता है। और इसमें हमारे दिमाग जब उत्तेजित हो जाता है तो हाइपोथैलेमस जो होता मध्य भाग का हाइपोथैलेमस होता मात्र 7 सेकंड में क्या करता है, बहुत हावी हो जाता है। इसीलिए मैंने मस्तिष्क पर एक वीडियो बनाई है बहुत जबरदस्त तरीके से, उसको आप जाके देख लीजिएगा, और उसमें पूरा ब्रेन को मैंने समझाया। तो मस्तिष्क में क्या होगा, हाइपोथैलेमस पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, 7 सेकंड में हावी हो जाता है। तो ये आपके कार्य हो गए, तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के अंगों तक पोषक तत्व पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों तक पहुंचाना और वह ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना यानी कि बाहर निकालने का काम, और उत्सर्जी अंगों को शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये ब्लड ही करता है। अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आने वाले समय में ब्लड ग्रुप आखिर क्यों, कौन सा ब्लड ग्रुप ए का दूसरे के साथ नहीं चढ़ाया जा सकता, कैसे क्यों का कारण है, बी का आपको ए बी को दिया जाना, बी ए ओ दे ओ को किसी को ना दिया जाए, सबको दे देना जबकि ए बी किसी को ना देता है, ये सारी डिटेल जिसको हम क्या कहते हैं, ये व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, WBC को अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड ब्लड क्या कहते हैं, कार्पा सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स कहते हैं। आपका देखिए सेल्स का आ जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्या कहा जाती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर रुधिर कणिकाएं कणिकाएं। अगर श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात की जाए तो अगर यह पूछा जाए कि यह इसका आप कितने दिनों तक जीवित रहते, इसकी संख्या पूछी जाए तो संख्या आप कितना बता देंगे, संख्या जो होती है इसकी वह संख्या कितनी होती है, एक आपका 4 दिन तक। ये जो आप मैक्सिमम कितने तक दिन तक जीवित रख सकते हैं, 4 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगर सॉरी ये संख्या, अगर संख्या की बात की जाए तो ये आपका आपकी अगर बात की जाए संख्या की तो ये कितनी होती है, 10,000 होती है। आपकी संख्या कितनी होती है इसकी, 10,000 होती है। और यह कितने दिनों तक जीवित रहता है, जीवन काल इसका कितना होता है, आपके जीवन काल काल कितने दिनों तक का होता है, तो आप जानिएगा 4 दिन का होता है। ये कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, 4 दिनों तक रह सकता है। अगर आप 4 दिनों तक इसको जीवित रख सकते हैं उसके बाद आपकी बात हो तो आप क्या कहेंगे, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, निक नाम, रासायनिक नाम, नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। क्या होता है आपका रासायनिक नाम, यहां से इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। अगर आप मेरी आपको बता दूं, आप अगर लिखावट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए उसको मेरी आवाज से आप समझ लीजिएगा कि क्या बोला हूं, ल्यूकोसाइट, अर्थात आप रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अगर मैं आकार की बात करूं तो आकार अनिश्चित होता, क्या होता, अनिश्चित होता, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका आकार कोई होता नहीं है, क्या होता है इसका आकार, अनिश्चित होता। अगर अनिश्चित की बात कर ली जाए तो इसका आकार कोई आकार नहीं होता, इसमें आकार नहीं पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले
इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो आप अगर आपसे पूछ ले कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, अर्थात रोधक प्रतिरोधक प्रतिरोधक धक क्षमता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना। इसका कार्य क्या होगा? रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अर्थात यह रोधक प्रतिरोधक क्षमता को अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। क्या देता है? रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, लड़ने की क्षमता देता है, कि क्षमता देता है। अगर जैसे आपकी बात करूं कि क्या होता है, कैसे ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, पूरे शरीर में अगर ब्लड आपका कमजोर हो जाए तो फिर आप लड़ाई नहीं कर सकते, एकदम बकुरी बन जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? तो कारण क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता, अगर जो हमारे शरीर में टीका लगाए जाते हैं वो उसी टीका होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। जो टीका लगाए जाते हैं हमारे शरीर में, वास्तव में अगर मैं बात करूं तो वह टीका हमारे शरीर में जो घुसेड़ा जाता है उसी का एकदम कमजोर भाग, जो भी बीमारी होती है उसी का कमजोर भाग वह हमारे शरीर में घुसा जाता है। और उसके बाद क्या करता है ये कमजोर भाग, जो जो ही हमारा WBC देखता है उसके ऊपर झम से झपट्टा मारता है और कहता है अरे मेरी तरफ तुम क्यों आए हो, अर्थात मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो यानी कि उसको तुरंत मार के गिरा देता है, और जब मार के गिरा देता है तो उसके प्रति क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है। कहने का मतलब बस तात्पर्य यह है कि अगर हमें दोस्त धोखा दे तो हमको जल्दी धोखा मिलेगा, लेकिन अगर हमारा दुश्मन धोखा देगा तो हम उसके प्रति क्या होंगे, सतर्क रहेंगे। जैसे अभी हम कह दें कि हमारी दुश्मनी पूरी की पूरी पाकिस्तान देश से है, और पाकिस्तान देश से है, उस पाकिस्तान देश की तरफ हमारी पूरी सेना लगी हुई है, और जब पाकिस्तान की तरफ हमारी पूरी सेना लगी हुई है लेकिन अचानक हमारे ऊपर बांग्लादेश हमला कर दे, तो हम बांग्लादेश के प्रति सतर्क तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब तक हम उधर से लेके आए अपना सब कुछ हथियार लगाए, तब तक बांग्लादेश मार के हमारे जवानों को चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सरकारी जितने भी टीके होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, और शरीर में प्रवेश कराने के बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाते हैं और ये WBC एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी बुखार आ जाता है आपको, जो भी आप लगाते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में आपने किसका टीका लगवाया होगा, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कोरोना का टीका लगाते, तो क्या कोरोना की अलग से कोई दवा थी? नहीं, कोरोना का मुंह ही कूंच कांच के थूर थार के उसको आपके शरीर में घुसाया जा रहा था, और कभी कभी वह कोरोना ज्यादा जिंदा हो जाता था तो अचानक मौतें भी हो जाती थी लोगों की, ऐसी समस्या थी। तो कोई भी आप दवा जो खोज दी जाती है वह उसी का एंटीसेप्टिक, यानी कि कमजोर वो जो होता है भाग होता है, उसको आपके शरीर में डाला जाता है, और फिर उसके बाद उसके प्रति WBC सतर्क हो जाता है, और जब WBC सतर्क हो जाता है तो उसको मार के गिरा देता है, जिससे रोधक प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता या कौन प्रदान करता हमें, WBC करता है। अगर आपको बात की जाए तो इसमें रोधक प्रतिरोधक क्षमता को अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। अगर आप इतना चीजें जान चुके हो तो फिर आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी बात हो जाए, इतनी चीजें आप जान चुके हो तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये चीजें आपको, एक चीज और, कुछ चीजें छूट गई हैं RBC में, फिलहाल ये रोगों से लड़ने की क्षमता दिखाता है, लेकिन आप थोड़ा से RBC या WBC तो आपने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी सी RBC का कुछ पार्ट हमारे दिमाग से छूट गया था, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये चीजें हो गई हो, अगर RBC में थोड़ी सी जगह हो तो वही बना लीजिए, लिख लीजिए। आपको बता दें RBC में क्या पाया जाता है, थोड़ा से और अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर उसके बाद यहां से देखिए RBC के बारे में थोड़ा से हम लोग और जानकारी ले लें। RBC में क्या पाए जाते हैं, RBC में लाइसोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, सॉरी RBC में क्या पाया नहीं जाता, लाइसोसोम, सोम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, पाया जाता RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और लाइसोसोम होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भैया, जो लाइसोसोम होता है, जिसे मैंने कहा था ना कि आप कटने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं, उसमें जो आपके जो उसको खून को आप चूस लेते हैं,
तो ठीक उसी प्रकार से एक लाइपेज पाया जाता है। लाइपेज क्या करता है, जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अर्थात कीटाणुओं को मारने का काम नहीं कर पाता। जबकि आपकी बात होती है तो इसमें केंद्रक भी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, केंद्रक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, पाए जाते। जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि आरबीसी की कमी से रोग कौन हुआ, आरबीसी की कमी से रोग की बात की जाए तो एक आप जानते होंगे एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाएगा। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। वहीं पे आपकी बात की जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी क्या हो जाएगी, रोधक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। और आरबीसी से अगर कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर इतनी चीजें आपको पता हो गई तो एक बार मैं जल्दी जल्दी दोहराता हूं, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। इसको अगर बात की जाए तो रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अगर इसकी बात किया जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। अगर इसमें पकाया जाए तो इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पर इसके आकार में वृद्धि होती है। और इसमें ना केंद्रक पाया जाता है, ना लाइसोसोम पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, तो एनीमिया रोग हो जाता है। और आपका इसका रासायनिक नाम क्या होता है, आपको पता होगा कि एंथ्रियोसाइट होता है। जबकि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसी की बात करें, जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। कितना जीवन काल होता है, 4 दिन होता है। और इसमें अगर बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। और फिर उसके बाद आपकी बात किया जाए कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रोधक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। और इसका कार्य क्या होता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो मैं फिर आपको लेके चलता हूँ प्लेटलेट्स की तरफ। किसकी तरफ लेके चलता हूँ, प्लेटलेट्स की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए देखते हैं प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। प्लेटलेट्स अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है, अगर इसकी संख्या बात की जाए तो इसकी संख्या 1.2 लाख से 2 लाख तक होती है, अर्थात 1,20,000 से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए। और यह गिरता कितना, अगर गिरेगा तो 30,000, 25,000, 20,000 गिरता, एक साथ गिरता, बढ़ता भी तो इतना तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी, डेंगू हो गई, मलेरिया हो गई, तो तुरंत प्लेटलेट्स चेक कराइए। इस समय आपको वायरल चल रहा है बहुत तेजी से, अगर आपको बचना है तो इसको जरूर कराइए, अन्यथा आपकी, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो, अनहोनी हो, लेकिन हो सकता है बच्चे मौत के घाट भी उतर सकते हैं। और यह युवाओं को भी बहुत तेजी से आकर्षित कर रही है, तो काफी तेजी से यह वायरल चल रहा है, जिसमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों में आपकी प्लेटलेट्स की संख्या सीधे सीधे 10,000, 20,000, 30,000 एक एक दिन में घटना शुरू हो जाती है। अगर बात किया जाए इसका जीवन काल क्या होता है, तो इसका जीवन काल जो आपसे पूछा जाए, जीवन काल, काल अगर बात की जाए तो जीवन काल 7 दिन होता है। कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। अगर इसमें क्या कहा जाए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक निक नाम, नाम क्या होता है, थंबोसाइट होता है, थंबोसाइट होता है, साइट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थंबोसाइट होता है। अगर इसका जीवन काल पूछा जाए तो 7 दिन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थंबोसाइट होता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें केंद्रक आपकी बात की जाए तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, पाया जाता केवल डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ये भी जान लीजिए, केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो आपको बता दें इसका कार्य क्या होता है, आपको बता दिया जाए कि ये आपको क्या करता है, मजबूती अर्थात शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है।
क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। और आपकी बात की जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको कमी से कौन सा रोग होता है, अभी मैंने बताया कमी से रोग। आपको बता दें, एक नाम सुने होंगे आपका मलेरिया, क्या नाम सुने होंगे, मलेरिया। और ये क्या होता है, डेंगू। डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां क्या होती है, प्लेटलेट पर ही हावी होती है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जैसा रोग खतरनाक होता है। अगर दवा की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, आपकी दवा इसमें क्या होती है, दवा की बात की जाए तो आप पपीता की पत्ती, पपीता की पपीता सीधे सीधे कह रहे, पपीता भी खाया जाता, पपीता की पत्ती भी पी जाती है। गिलो गिलो एलोवेरा, एलोवेरा वेरा जो आप अपने स्किन पे लगाने के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद आपकी बात हो, गिलो हो गया, पपीता की पत्ती हो गया, एलोवेरा हो गया, बकरी का दूध, बकरी का दूध, का दूध यह आपका काम करता है। अब इतनी चीजें आपको अगर पता चल गई हो तो ये आप, आपकी किसके बारे में हुई थी, प्लेटलेट्स की बात हुई थी। एक बार आप प्लेटलेट्स को पुनः दोहराइए, प्लेटलेट्स की संख्या 1,20,000 से 2,00,000 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसका जीवन काल पूछा जाए तो क्या होता है, जीवन काल 7 दिन होता है। अगर आपकी बात किया जाए रासायनिक नाम तो थ्रोम्बोसाइट होता है। फिर उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह शक्ति आपके शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसकी कमी से मलेरिया और डेंगू जैसे रोग होते हैं। और फिर उसके बाद इसको पीने से, अर्थात पपीता और गिलो, इसकी दवा क्या होती, पपीता होता है, गिलो होती है, एलोवेरा होती है, बकरी का दूध होता है, और क्या होता है, ये सारी चीजें आप पीकर इससे आप मजबूत कर सकते हैं। अगर